हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सीता, आज हम तुम्हें एक महत्वपूर्ण समाचार सुनाने आए हैं। ये नहीं पूछोगी कि समाचार क्या है? चलो हम स्वयं ही तुम्हें ये शुभ समाचार सुनाते हैं। हे सुंदरी, शुभ समाचार ये है कि तुम्हारे बंधन टूट गए हैं। तुम आज से बंधन मुक्त हो गई हो। क्या सचमुच मुझे मुक्त करके मेरे पति के पास भेज रहे हो? क्या मेरा परिहास कर रहे हो? अरे पति कैसा, वही तो एक बंधन था जिससे तुम मुक्त हो गई हो। हे त्रिभुवन सुंदरी, जब तक पति जीवित था तुम पर पतिव्रता धर्म का बंधन था। हमने उस बंधन को ही काट कर रख दिया है। अब न पति रहा, न पतिव्रत धर्म का कोई बंधन रहा। अब तुम उस धर्म बंधन से मुक्त हो गई हो और अब हमारे मिलन में कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं रही। तुम लंकेश्वर की महारानी बनोगी। इसी शुभ अवसर पर हम तुम्हारे लिए एक अद्भुत और अनमोल उपहार लेकर आए हैं। दासी, भेंट का थाल राजरानी सीता के सम्मुख रख दो। कोई भूल हुई होगी जो आप इस संसार को छोड़कर जाते समय मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए। आप तो जहां जहां जाते थे वहां मुझे अपने साथ लेकर जाते थे। तो ऐसा क्यों किया आपने प्राणेश्वर, क्यों किया? आप तो जानते हैं कि आपके बिना इस संसार में मेरे लिए जीवित रहने का कोई भी प्रयोजन शेष नहीं रह जाता। मैं दुराचारी के जाल में फंस कर भी अब तक जीवित हूँ। शायद इसी दोष के कारण तो आपने मेरा परित्याग नहीं कर दिया है।